सुबह सुबह मिल गया हम लोग को चाय, रोड पे आए थे जो कि देख सकते हो लोग, बिस्किट और चाय लिए हैं। और इधर पे छोटा सा दुकान है और यही रास्ता का साइड में बहुत ही अच्छा लोकेशन है, पूरा ठंडा ठंडा जैसा वेदर है, उधर गाय वाय सब बैठा हुआ है और पीछे का लोकेशन देख सकते हो। तो चलते हैं, खाते हैं अभी चाय और बिस्किट। अच्छा टेस्ट है बिस्किट का। आप लोग जैसा कि देखिएगा, हमारा गाड़ी खाली हो गया आधा, कुछ माल बचा हुआ है थोड़ा, और शाम हो चुका है। देखते हैं कितने देर में खाली करते हैं यहाँ से, उसके बाद फिर यहाँ से देखते हैं ट्रांसपोर्ट में लोडिंग के लिए कुछ बातचीत करेंगे और निकलते पहले यहाँ से। अभी तो 9 घंटे खुलेगा नहीं, रात को 10 बजे के बाद। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल करंट ट्रक ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस अभी सुबह का बज चुका है, 6 बजने वाला है, अभी धूप आ चुका है हल्का हल्का। और गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अभी गुड़गांव में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। आप लोग लोकेशन देख सकते हो कहाँ पे है, नर्सरी में अपना गाड़ी लगा चुके हैं यहाँ पे, अभी डाला वाला खोल दिया, पॉइंट पे लगा दिया, अभी अनलोड होगा फिलहाल। और यहाँ का लोकेशन चेक कर सकते हो गाइस, काफी खूबसूरत खूबसूरत पौधा है और बहुत ही बड़ा नर्सरी है जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और पूरा इधर पे बहुत ही बड़ा नर्सरी है और हर हर तरह का पौधा है यहाँ पे, जो भी पौधा खोजे वो मिल जाएगा। और पूरा ही नहीं भी करके तो बहुत ही बड़ा नर्सरी है, वो अपना गाड़ी लगा हुआ है वहाँ पे पॉइंट पे। चलते हैं अभी घुमाता हूँ आप लोग को, दिखाता हूँ यहाँ से गाड़ी भी जा रहा है लोड होके। और आप लोग देख सकते हो पूरा ही बगीचा है, बहुत ही खूबसूरत बगीचा बनाया हुआ है जो यहाँ पे, यहाँ का सेट जो है, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वहाँ पे पानी का ये भी लगा हुआ है झरना, और ये सब गाड़ी आया हुआ है अभी सब माल जो है ले जाने के लिए। और इधर गेंदा का फूल है, और बाकी इधर देखो फैक्ट्री वैक्ट्री है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है यहाँ से। और ये सब फूल भी देख सकते हो आप लोग, काफी खूबसूरत लग रहा है। सब गाड़ी में माल जा रहा है, यहाँ से हम लोग ये लेके आते हैं, यहाँ पे रखता है, उसके बाद फिर यहाँ से चला जाता है। इधर गाइस ये फूल का कुछ गाछ है, वही वाला फूल है जो खिला हुआ है, तो अभी ये खिले नहीं है यहाँ पे। और ये इनका कुछ मंदिर वंदिर है यहाँ पे ऐसा करके। तो अभी चलते हैं अपना गाड़ी के पास। और ये रहा गाइस अपना गाड़ी जो कि खाली होने का है यहाँ से, तो लगा दिए पॉइंट पे, अभी उधर से लेके आए ऊपर ऊपर से, अभी अनलोड होगा यहाँ पे। और यहीं पे इन लोग साफ कर रहे हैं घास वास जो भी है, उसके बाद अपना लोडिंग पॉइंट पे गाड़ी तो लग ही चुका है, अब फिर अनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस अभी आप लोगों को जैसा कि बगीचा दिखाया अभी, और चलते हैं अभी यहाँ से बाहर में, देखते हैं कुछ खाते वाते, उसके बाद थोड़ा देर सोएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कुछ खाना वाना हो सके तो बनाएंगे, या देखते हैं बाहर कुछ मिलेगा तभी बनाएंगे। गाड़ी कुछ इस तरह यहाँ पे लगा हुआ है और काफी आइटम का यहाँ पे वैरायटी का गाछ है, ये तुलसी गाछ और ये सब काफी कुछ गाछ है। इधर बड़ा बड़ा पूरा बिल्डिंग है। अभी जा रहे हैं आगे रोड पे, देखते हैं चाय वाय मिलेगा तो वहीं चाय वाय पियेंगे। और इसी रास्ते से हम लोग आए थे रात को, यहाँ देख सकते हो काफी बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। कितना लोग हम लोग देख सकते हो, काफी ज्यादा बड़ा बड़ा है, घूर भी रहा है सब कुछ दूसरे तरीका से। तो आ गए इस रोड पे भी और यहीं से आए थे अंदर, बिल्डिंग बिल्डिंग इधर पे है और इसी रोड पे गए थे यहाँ से।
सुबह सुबह मिल गया हम लोग को चाय, रोड पे आए थे जो कि देख सकते हो हम लोग बिस्किट और चाय लिए हैं। और इधर पे छोटा सा दुकान है और यही रास्ता का साइड में बहुत ही अच्छा लोकेशन है, पूरा ठंडा ठंडा जैसा वेदर है, उधर गाय वाय सब बैठा हुआ है और पीछे का लोकेशन देख सकते हो। तो चलते हैं, खाते हैं अभी चाय और बिस्किट। अच्छा टेस्ट है बिस्किट का। और गाइस यहाँ पे गिलहरी देख तो पूरे ही गाछ पेड़ पे भरा हुआ है, तो इन लोग को देते हैं खाने के लिए, देते हैं खाता है या नहीं। जो अभी बिस्किट दे दिए यहाँ पे वो देखिए गाइस, गाछ पे पूरा ही बैठा हुआ है गिलहरी, उधर है वो, ऊपर है, नीचे आया हुआ है, बहुत ही ज्यादा है। तो अभी खाने के लिए आ रहा है धीरे धीरे सब। डर भी रहा है, अभी आ चुके हैं यहाँ पे। और वो गाइस देख सकते हो आप लोग, मोर घूम रहा है यहाँ पे। अपना गाड़ी जो है खाली होने लगा है, तो लेबर लोग अभी आधा खाली कर दिया और बचा हुआ है आधा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अपना गाड़ी जो है खाली हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये सब। और बहुत ही बड़ा बगीचा है। शाम का बज चुका है, अभी 5 बजने वाला, सो गए थे, सो के अभी उठ चुके हैं। और आप लोग देख सकते हो सूरज ही ढलने वाला है, जो कि आपको दिख रहा होगा, आपको वो इधर बड़ा सा दिख रहा है। तो अभी खाली हुआ है कुछ, अपना कुछ बाकी भी है, फिर दिखाता हूँ। और शाम ढलने के बाद वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, जैसा कि देखिएगा हमारा गाड़ी खाली हो गया आधा, कुछ माल बचा हुआ है थोड़ा, और शाम हो चुका है। देखते कितने देर में खाली करते हैं यहाँ से, उसके बाद फिर यहाँ से देखते हैं ट्रांसपोर्ट में लोडिंग के लिए कुछ बातचीत करेंगे और निकलते पहले यहाँ से। अभी तो 90 खुलेगा नहीं, रात को 10 बजे के बाद ही 90 यहाँ से खुलता है, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं फरीदाबाद का, इधर उधर ही लोडिंग का कुछ प्रोग्राम देखेंगे। तो गाइस ये उस्ताद का हो चुका है टायर ढीला, और नट ढीला हो गया था, तो अभी इनके पास जॉक और पाना नहीं था, रॉड नहीं था और पाना नहीं था, तो रॉड और पाना दिए, तो अभी ये टाइट कर रहे हैं। पता नहीं कितना सारा नट ढीला हो गया है, पूरा ही ढीला था, तो अभी टाइट कर रही है। तो हम लोग भी आ चुके हैं होटल में, और अभी यहीं पे गाड़ी वाड़ी लगाएंगे, यहाँ से निकलेंगे जो भी होगा कल सुबह। तो गाइस यहाँ पे रुके थे अभी कुल्लड़ वाला चाय पीने होटल में, तो चाय वाय पी लेते यही होटल में, अपना गाड़ी लगा हुआ वहाँ पे, तो अभी अच्छे से साइड करके लग। अभी आ चुका हूँ होटल में, और यहाँ पे एक होटल है, तो वहीं पे हम लोग रुके हैं अभी। और अपना लोडिंग का कोई प्रोग्राम बना नहीं है अभी तक, कंफर्म नहीं हुआ है, तो लोडिंग का कन्फर्म होने के बाद उसके बाद गाड़ी जिधर का लोडिंग का प्रोग्राम होगा उधर लेके जाएंगे लोडिंग के लिए। तो चलता हूँ गाइस, आज का ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, और मिलता हूँ एक अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अनदर ब्लॉग के साथ आप।